सर्वज्ञ श्री चक्रधर चक्रधर। स्वामी की जय। लाइव रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो बिगिन विद हम लोग कर रहे हैं दृष्टांत, और उसमें है दृष्टांत का समूह नंबर 2। इसमें हम देख रहे हैं 4 प्रकार के दान। परमेश्वर अवतार द्वारा 4 दान देने के 4 प्रकार। परमेश्वर अवतार द्वारा 4 दान देने के 4 प्रकार। ये वाला जो टॉपिक है ये हम कर रहे हैं। कल हमने ये परमेश्वर शब्द की व्याख्या आपको मैं सुबह, जैसे अभी एक क्लास चल रही है 7 बजे वाली, उसमें आपको आगे चलकर अन्य आवृत्ति के 10 नंबर सूत्र में आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं 4 दान। कल हमने देखा 4 दान होते हैं, संबंध दान, ग्रहणा दान, लीला दान और कैवल्य दान। कैवल्य दान के बारे में 2 क्वेरीज आई हैं कि कैवल्य दान और प्रेम दान में क्या फर्क है। हमें ये आज तक कहा गया कि आपने परमेश्वर से प्रेम मांगना है, और हम जब संकष्ट वज्र पज्र की प्रार्थना करते हैं तो उसमें बोलते हैं मारक जोड़ मारक दी, प्रसन्नता जोड़, मुझे प्रेम दान दो ईश्वर, वो सब बोलते हैं हम लोग। तो हमें सब कहते हैं कि हमें प्रेम प्रेम चाहिए, तो दादा तो कह रहे हैं कैवल्य दान चाहिए, मुझे कैवल्य चाहिए, मुझे ईश्वर से कैवल्य दान चाहिए। तो ऐसा है, ज्ञान और प्रेम 2 माध्यम है। ज्ञान एक साधन है, प्रेम भी साधन है। साधन यानी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हो आप, ठीक है जी। या हम किसी चीज को लेकर जाते हैं कहीं पर, तो उसके लिए हमें एक साधन की जरूरत होती है, ठीक है जी। तो जब हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो हम साधन को छोड़ देते हैं। जैसे अब आप मेट्रो में जाते हैं तो मेट्रो में बैठते हैं, तो जहां पे डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं मेट्रो छोड़ देते हैं, स्कूटर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, एयरपोर्ट, ट्रांस, ट्रेन, कुछ भी हो। तो ये ज्ञान और प्रेम 2 साधन है। अब ज्ञान साधन में हमें विकार विकल शून्य करना पड़ता है, और प्रेम साधन में हमारे प्रेम संचार मात्र विकार विकल स्वभाव, ये 3 ही उच्छेद होनी जाती है। कि डिफरेंस है दोनों में, आप उदाहरण प्रकरण जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगी, ये डिफरेंस आएगा कि ज्ञान साधन और प्रेम साधन में क्या फर्क है। और श्री चक्र स्वामी महाराज ने कहा ज्ञानापसी प्रेम उत्तम, यानी ज्ञान साधन से प्रेम साधन उत्तम है। अब ज्ञान साधन से क्या प्राप्त होता है और प्रेम साधन से क्या प्राप्त होता है। ज्ञान साधन से हमें मोक्ष मिलता है, ब्रह्म अनुभूति मिलती है, और प्रेम साधन से हमें मोक्ष भी मिलता है और ईश्वर की अनुभूति मिलती है, अपनी अनुभूति देती। अब ब्रह्म अनुभूति और ईश्वर अनुभूति में थोड़ा डिफरेंस है, वो दृष्टांतों के आखिर के जो 3 दृष्टांत हैं 112, 113 और 114, इसमें हमें डिफरेंस समझ आएगा, ठीक है। तो कैवल्य दान इज सुपीरियर, कैवल्य दान के लिए हमें प्रेम साधन चाहिए। तो प्रेम साधन के मैंने बताया था एक 25%, 50%, 75% और 100%, आप ऐसा मान लीजिए। हाँ, इसको 1 कलिका, 2 कलिका, 3 कलिका, 4 कलिका से 25 पैसे करने, 4 आने, 8 आने, 16 आने, 12 आने, 12 आने, 16 आने, तो वैसा समझ लीजिए आप। तो 1 कलिका का भी अगर मिलता है तो भी हमें कैवल्य दान मिलेगा, 2 कलिका का मिलता है तो भी कैवल्य दान मिलेगा, 3 कलिका का मिलता है तो भी कैवल्य दान मिलेगा, 4 कलिका मिलता है तो भी कैवल्य दान मिलेगा। और ये प्रेम साधन हमें कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए 14 रास्ते बताए हैं श्री चक्र स्वामी महाराज ने, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कई बार, वो भी हमारा टॉपिक नहीं है, जब धर्म प्रकरण होगा तब आपको बताएंगे। ज्ञान का एक ही रास्ता है, वो है सूत्र पाठ के अंदर जो आचार, आचार मालिका और विचार, सॉरी अस्थिपरी, आचार और आचार मालिका, इसमें जो बताया गया है डूज एंड डोंट्स, वो करेंगे तो हम ज्ञान के रास्ते से चलेंगे। अब आप ये पूछेंगे कि दादा कि हमें सूत्रपाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सूत्रपाठ बंद कर देता हूं, मुझे ईश्वर का प्रेम चाहिए।
ठीक है जी। यहां पर मेरे कई बार कई लोगों ने बोला, तो मैंने उन्हें क्लियर किया कि आपको प्रेम चाहिए, ये कैसे मालूम हुआ, इसका ज्ञान कैसे हुआ आपको, ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है, इसका ज्ञान कैसे हुआ आपको, चित्रकर हमारा ईश्वर अवतार है, ये ज्ञान कैसे हुआ आपको, महादेव जी देवता है, इसका ज्ञान कैसे हुआ आपको। कहां से हुआ? सूत्रपाठ से। सूत्र पाठ से। तो सूत्र पाठ तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, वचन रूप रूप परमेश्वर है। हाँ, उसमें जो ज्ञान की ज्ञान ज्ञान यानी आप दिमाग से साधना करनी है, उससे हम कहें बातें वही हैं। आपको कहोगे अचार में हमें प्रेम के लिए अचार आचरण कौन सा करना पड़ेगा, तो आप 69 से 78 वगैरह वचन है अचार के, उसमें मेंशन किया हुआ है, बट वो एक परिस्थिति है आचरण करने वाले जीव की अनुसरण की। कर वो वही रहा है जो एक ज्ञानी कर रहा है, बट डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। ज्ञान यानी दिमाग से चलना, प्रेम यानी दिल से काम करना। इसके लिए दोनों दृष्टांत बताए श्री चक्रधर महाराज ने, पतिव्रता का, पतिव्रता औरत होती है, वह अपने पति के सारे काम दिल से करती है, और जब दासी होती है घर में मेड रखी होती है, वो पैसे के लिए करती है, वो काम तो करती है पर दिल से नहीं करती। ये डिफरेंस है, समझाने के लिए बताया गया। तो हम लोगों को वही काम करने हैं जो अस्थि परी में जार में बताए हैं, लेकिन दिल से करने हैं, अर्थपूर्वक करने हैं, दैट्स इट। पूरे अंदर से शिद्दत से करने हैं, लगाव से करने हैं, तो हमें प्रेम का साधन आगे चलकर एक कलिका दो कलिका मिलेगा। आप बोलोगे कि मुझे इसी जन्म में मिल जाएगा, नहीं, हमें जन्म इस जन्म में ज्ञान मिलेगा, इस ज्ञान का आचरण करते करते, ज्ञान में जो बताया आचरण करते करते, हमें अगले जन्मों में जाकर प्रेम साधन प्राप्त होगा, जैसे बैसा माता को प्राप्त हुआ। वापिस आते हैं, कैवल्य दान एक्सप्लेन कर दिया मैंने, अब हम चलते हैं। ये चार प्रकार के दान कैसे देते हैं, चार तरीकों से। कौन कौन से चार तरीके हैं ये? तो उसके लिए अब हम देखते हैं दृष्टांत की लापनिक। क्या है? वो हाईलाइटर से लेता हूं। तेची देने चतुर्विधा परी, वह जो देना है, जैसे पीछे हमने लाइन पढ़ी, उभे दृश्यत्वे सकल ही देने आती, देने आती। ठीक है जी, देना है परमेश्वर ने हमारे को, उभे दृश्यत्वे सकल ही देने आती, उभे दृश्य अवतार हमें सब कुछ देते हैं। तो कैसे देते हैं? वो कहते हैं वह देना चार प्रकार से है। कितने प्रकार से है? चार प्रकार से, चतुर्विध परी। उभे दृश्य अवतार या अवरदर्शी अवतार जो हमें देते हैं, क्योंकि ऊपर प्राप्त करने आती है इसलिए नहीं, देने यहां है, देने यहां है, वो जो देना है वो चार प्रकार से देते हैं। तो चार प्रकार कौन से हैं वो हम देखते हैं, अब चार दृष्टांत ये बताएंगे। स्पर्श के द्वारा देते हैं, पहला स्पर्श के द्वारा देते हैं। कैसे देते हैं? टच करके देते हैं। हम इसको ऑर्डर में पढ़ेंगे, इसके ऊपर सूत्र है दृक् स्पर्श आलाप अंतकरण, दृक् स्पर्श आलाप अंतकरण, इस पे इसके बारे में सूत्र है, हम उसको अभी आप सुन लीजिए। मैं यहां पे ऑर्डर में बता रहा हूं, नीचे से ऊपर वाले ऑर्डर में। स्पर्श द्वारा देने आती, जैसे उन्होंने लगाया मैं वैसे बताऊंगा। यहां पर स्पर्श के द्वारा देते हैं, टच करके देते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका है दृष्टि द्वारा देने आती, दृष्टि यानी आंखों के माध्यम से देते हैं।
तीसरा है, अब इसकी लापनी की वो कहां गई, दूसरी टाइम करनी पड़ेगी। तीसरा है अंतकरण द्वारे देने आती, कैसे देते हैं, अंतकरण के द्वारा देते हैं यानी मन में से देते हैं बैठे बैठे। चौथा है शब्द के द्वारा देने आती, शब्द यानी मुख से बोलकर देते हैं। तो हमारे पास चार हो गए हैं, ये चार प्रकार से परमेश्वर देते हैं हमें, वो है स्पर्श, दृष्टि, अंतकरण और शब्द। स्पर्श यानी टच करके हाथ से देते हैं, दूसरा है आंखों के द्वारा देते हैं, तीसरा है मन से देते हैं, हृदय से दूर से देते हैं, चौथा है मुख से देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये चार जो देने के प्रकार हैं उसके एग्जाम्पल्स कैसे हैं। हम वापस जाते हैं पिछले वाली लापनी के ऊपर, मेरे से थोड़ी गलती होगी, मुझे पीडीएफ पहले बनानी चाहिए थी। हाँ, अब हम देखते हैं ये दो प्रकार, स्पर्श के द्वारा देने आती है, हिंदी हिंदी में इसको पढ़ेंगे, स्पर्श के द्वारा देते हैं जैसे कुकड़ी ये चार, कुकड़ी यानी मुर्गी। इसका दृष्टांत कैसे है, कुकड़ी जो होती है, मुर्गी जो होती है वो अंडे देती है, अंडे देने के बाद उसको ऊपर वो बैठ जाती है, उसको हीट देती है, वो हीट देने से स्पर्श के द्वारा हीट देती है, किससे हीट देती है, टच के द्वारा। जैसे मैंने इसको ऐसे किया, सर्दियों में सब करते हैं, तो ये क्या हो गया, इसमें से हीट निकली, हीट निकली ना, तो एक बॉडी एग उसके ऊपर, उसकी हन की बॉडी ऊपर बैठी रहती है, बैठी रहती है, बैठी रहती है, उससे हिलती रहती है थोड़ा थोड़ा, उससे वो एग जो है थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है। ये मैंने एक जगह देखा था वीडियो में कि उन्होंने अंडे रखे, ऊपर लाइट्स जगा दी बहुत हाई वोल्टेज की। वो कहते हैं अब मुर्गी तो 10 दिन में करती है इसको, या 3 दिन में करती है, हम 2 घंटे में अंडों में से चूजे निकाल लेंगे। इंसान इतना तेज हो गया, दिमाग लगाता है। उसने क्या किया, अंडे थे उसके ऊपर हाई वोल्टेज के लाइट्स लगा दिए, तो वो जल्दी जल्दी चूजे पैदा हो जाए, जल्दी जल्दी हमारा सामान प्रोसेस फास्ट हो, नेचुरली ना हो। मैंने ऐसा वीडियो में देखा है खुद, ऐसा होता है, आप देखिएगा। अब वो हम वापस आते हैं, उसमें से जो चूजे निकलते हैं वो मेरे ख्याल से वो क्वालिटी सही नहीं है या प्रॉपर नहीं है, मैं पूरा मुझे याद नहीं है, पर यहां पर जो नेचुरल प्रोसेस ईश्वर ने बनाया है वो है स्पर्श के द्वारा देने आती, जैसा कुकड़ी है चार। अब हम देखते हैं बच्चा होता है, अंडे में से बच्चा निकलता है और वो खेलना शुरू कर देता है। अब आप नेचुरली देखिए, आप ये मनुष्यों में देखिए या पशु पक्षियों में देखिए, कि वो जब बच्चा होता है वो माँ के साथ चिपक चिपक कर चलता है। दूसरा हम देखते हैं ये हमारे मनुष्यों में जो मदर्स होती हैं, वो बच्चे को जब गोदी में उठाती है ना तो बच्चा चुप कर जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण, लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल, हम लोग, मैं पैदा हुआ तो सब पैदा हुए हैं, मदर सबकी हैं, तो मदर को पता होता है कि बच्चा रो रहा है तो उसको मदर गोदी में उठाएगी तो वह चुप कर जाएगा, कोई और उठाएगा तो वह जल्दी से चुप नहीं करेगा। हाँ, वो हम गोदी है बच्चे को यहाँ पे क्यों उठाते हैं, यहाँ हार्ट है हमारा, आप कभी उसको यहाँ सिटाओगे तो उसको फीलिंग आएगी, हार्ट बीट फील होगी, वो जो हार्ट बीट की फीलिंग उसे मालूम चल जाती है।
वो है, उसमें दृष्टांत में क्या बताया मालूम है, अमृत कला असेते संचरे। आप बोलेंगे इसमें क्या लॉजिक है, दृष्टांत क्या कहता है, अमृत कला असेते संचरे, ऐसे ही है ना। वो बढ़ता है। हाँ, वो अमृत कला जो अंदर संचार होती है उसके टच करने से, उससे त्या तव तिये वाड़ती। अब सूत्रपाठ चाहे दृष्टांत खोल कर रख लीजिए अपने सामने, आपको समझ आएगा मराठी में, जो भी है मैं हिंदी बता रहा हूं, उससे वो बच्चा बढ़ता है, फिर वो टच में रहता है, धीरे धीरे वो अंदर छोटा बच्चा होता है, जैसे वॉर्म होता है मदर का, 9 मंथ लगते हैं ना पेट में, वो टच जाता है। अब यहां पर अंडे के अंदर भी छोटा 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 बढ़ता है वो। अब उसका लाइफ स्पैन कितना है गूगल में देखो, कोई बता दे मेरे को कि एग में हैचिंग कितने दिन में होती है, सर्च कर लो आप, देखना एग हैचिंग का टाइम कितना होता है, दिन बता दे किसी को मालूम है, या गूगल पे देखे कोई मुझे बताए चैट पे। तो वो जो है पिल्लू बढ़ता है उसका, जिसको चिकन कहते हो आप, चिक, वो उसका उदाहरण दिया गया है यहां पर। अब वो कहते हैं पहले हम चारों दृष्टांत देखेंगे, दृष्टांत क्या कहते हैं, फिर हम इसके बाद देखेंगे परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं, किस दृष्टांतों को बताने का मतलब क्या है। सेकंड है इसमें, दृष्टि द्वारे देने आती जैसा कासवीय चा, कासवी है ना, अच्छा मासलीय चा, दृष्टि द्वारा देने आती यानी आंखों के द्वारा दिया जाता है, जैसे मछली, मछली का दृष्टांत दिया है। वो कहते हैं मछली जो है वो आगे चलती रहती है और पीछे से बच्चे निकलते रहते हैं, काफी लाइन में निकलते हैं, मैंने डिस्कवरी में देखा था कई बार कहीं पे, तो नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी पे, तो वो पीछे से बच्चे छोटे छोटे निकलते रहते हैं, वो आगे जब आगे क्या करती है, टर्न मारती है उनकी तरफ। 21 डेज, यस, दो आए हैं कि 21 डेज लगते हैं हैच होने में, 18 to 24 डेज, वेरी गुड, थैंक यू बच्चों, 21 डेज, ममता दीदी नर्स, वेरी गुड, यानी 21 डेज लगते हैं। दादाजी। तो 21 डेज उसको स्पर्श करते रहते हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं, 21 डेज आप कोई भी काम करोगे तो 21 डेज बाद आपकी आदत चेंज हो जाएगी। हाँ, ये साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल या साइंटिफिक फैक्ट है कि आप एक काम को 21 डेज रेगुलर करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, एक काम को 21 डेज नहीं करेंगे तो आपकी आदत चेंज हो जाएगी। आगे चलते हैं इस चीज को, जहां भी मुझे एडिशन एड ऑन मुझे नॉलेज है मैं आपसे शेयर करूंगा इन चीजों को। अब आगे चलते हैं, वो है सृष्टि दृष्टि के द्वारा देने आती जैसे मछली का। अब मछली क्या करती है, वो बच्चे देती है सीधा, बॉर्न बेबीज, एग नहीं देती, वो करती क्या, अंडे और बच्चे देती रहती, देती रहती, पीछे से निकलते रहते हैं, तो जाके आगे ऐसे टर्न करती है और उनको आंखों से देखती है, फिर बाद में वो देखती है कि छोटी छोटी बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, सबको मालूम है। अब वो देखती है माँ है कि मेरे बच्चों को खा ना जाए, वो उनके ऊपर आंख से देखती है, ध्यान रखती है उनका, कोई चीज खतरा आने वाला हो तो उनको साथ ले आके आवाज निकाल के सारे निकाल के ले जाती है, क्योंकि तो उसे खुद भी खाना होता है, शिकार ढूंढना होता है, तो साथ साथ उसके बच्चे भी रहते हैं, तो उनको आंखों से देखती रहती है, तया तव तिये वाड़ती, अमृत कला असे ते संचरे, ऐसा है अमृत कला है, वो आंखों के माध्यम से उनके अंदर जाती है। आप देखना उसकी जो मछली होती है उसकी आंखें स्पेशल रंग की होती हैं, मोटी मोटी, वो ऐसे ऐसे इधर करती है। हाँ, वो आंखों से आंखें मिलती हैं तो अमृत कला का संचार होता है। हम भी देखिए आंखों ही आंखों में प्यार हो गया, बड़े गाने चलते थे फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट, गाना है, हंसी मजाक है, इट्स ओके, बट फैक्ट यही है कि आंखों के माध्यम से भी अमृत कला का संचार होता है। आप भी कह रहे ना, सामने देखना हाँ पढ़ना भी चाहिए हाँ आज। जैसे अभी मैंने कल 2 दिन वीडियो नहीं लगाया अपना, ये फोटो लगाई तो वो कह रही अपनी आंखें दिखनी चाहिए, आपके सामने बैठना चाहिए, जो आगे बच्चे बैठते हैं वो आई कॉन्टेक्ट जिसको कहते हैं हम लोग,
ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी आई कांटेक्ट हमारा बड़ा काम करता है, और यहां पर ईश्वर भी आई कांटेक्ट के माध्यम से देते हैं। सेकंड टाइप है, फर्स्ट टाइप है टच के द्वारा, सेकंड टाइप है कांटेक्ट आई कांटेक्ट के द्वारा। ठीक है जी, वो मछली उनको करती है, बच्चों को देखती है, बच्चे बढ़ जाते हैं और वो आगे बड़े हो जाते हैं, उससे अमृत कला का संचार होता है। क्या होता है? अमृत कला का संचार होता है, फिर वो आगे बढ़ते हैं। आंखों से आंखें, नजर से नजर मिली, नजर उर्दू फारसी का शब्द है, हमारा दृष्टि शब्द है हिंदी का मूल, दृष्टि से दृष्टि मिली। तो ये दूसरा टाइप है ईश्वर का देने का। ठीक है जी, अब आते हैं तीसरा टाइप, तीसरा प्रकार है, तीसरा टाइप है अंतःकरण द्वारा देने आती, जैसा कासवीय चा कछुई के द्वारा। कछुई का दृष्टांत है यहां पर। अंतःकरण यानी दिल से, दूर से, हृदय में दिल से याद करना, हृदय से याद कर देना। बड़ा सुंदर, आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? कछुई जो होती है मदर कछुआ, मदर कछुई, वो करती क्या है? नदी के दो किनारे होते हैं, दो किनारे अपार्ट, इसमें नदी चलती है, एक इधर किनारा होता है, एक इधर किनारा होता है। वो करती क्या है? सामने वाले किनारे पे जाती है, वहां बच्चे देती है, या एक किनारे पे बच्चे देती है रेता के अंदर, और खुद दूसरे किनारे पर चली जाती है और दूर से उन्हें याद करती है। आप ये भी देख लीजिए कि टॉर्टॉइस मदर टर्टल कितने दिन में बच्चे उनके बड़े होते हैं, चेक करिए, मदर टर्टल का किड्स जो है कितने दिन में बड़े होते हैं, टाइम पीरियड आपको पता चल जाएगा, कोई देख के बताया मेरे को कि हाउ मेनी टाइम, कितना दिन लगता है। वो उधर एक किनारे पर है, बच्चे दूसरे किनारे पर, क्या होता है? अमृत कला असे ते सब, अमृत कला असे ते संचरे, 4 to 5 days ये 4 to 5 days किसका बता रहे हो डिंपल? कछुए का ना, मतलब विद इन 7 days ये हो जाते हैं हैच, कछुए का बता रहे हो ना आप? जी 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 जी, कछुए का। तो अरे वो अंडे नहीं देता ना, बच्चे देता ना, किड्स देता, बच्चे छोटे देता है ना। जी 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 नहीं, हाँ तो वो बच्चे देती है कछुई और उनको दूर से करती है, तो वो थोड़ा थोड़ा एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, यानी एम्ब्रॉय जो होता है वो डेवलप हो जाता है और बच्चे चलने के लायक बन जाते हैं। आज हम इतनी जबरदस्त साइंस भी पढ़ रहे हैं साथ में, ईश्वर का, ईश्वर ने जो करना है वो बात तो सही है, ये साइंस के सब्जेक्ट्स हैं कि इस तरह से ये सिर्फ सोचने से ही हो जाता है, दिल में सोचने से ही हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, दूर से दिल में सोचने से नहीं, याद करने से। हाँ वही त्याति अंता करनी आठवीं। हाँ हाँ, अंतःकरण से। चलो दंडवत प्रणाम दादाजी। आपको अनोखा लग रहा है क्या? नई बात सुनने को मिल रही है। अंतःकरण द्वारा देती है, उसमें आप दृष्टांत देखिए, उसमें वर्डिंग्स क्या है। मैं दृष्टांत की बुक मेरे पास रखी है, वो क्या कहते हैं, हाँ वहां से दूसरी तरफ से अंतःकरण से उनको याद करती है। अमृत कला असे ते संचरे, जो अमृत कला है वो उसमें उन बच्चों में संचार हो जाता है। तया तव तिये वाड़ती, उससे वो बच्चे बढ़ते हैं। तीनों दृष्टांतों में यही एक कॉमन लाइन है, अमृत कला असे ते संचरे, तया तव तिये वाड़ती,
अमृत कला असे ते संचरे तया तरती वाड़ती, अमृत कला असे ते संचरे तया तरती वाड़ती। तीनों दृष्टांतों में अमृत कला का संचार होता है। चौथे चौथे वाले में अमृत कला नहीं संचार होती, क्योंकि उसमें मां का दृष्टांत नहीं है। रहने दे, ठीक है जी। ये मदर और किड बर्थ से रिलेटेड है, ये परमेश्वर ने सृष्टि की व्यवस्था बनाई है। अब ये तीन दृष्टांत हो गए हमारे स्पर्श के द्वारा, दृष्टि के द्वारा और अंतःकरण के द्वारा, ठीक है जी। अब मैं ये सोच रहा था कि श्री चक्रधर महाराज ने जो सूत्र बताया वो बताया दृक् स्पर्श आलाप अंतःकरण, यहां पर दृष्टांत लिए उन्होंने किसी और की सीक्वेंस से। देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक, एक बात याद रखना, इन चीजों का बहुत बड़ा लॉजिक होता है कि ये सीक्वेंस क्यों चेंज किया गया। ये जो सीक्वेंस लगाने वाले जो थे श्री केशीराव व्यास जी और श्री आचार्य जी की गाइडेंस में, तो उनका उद्धरण का ही ज्यादा विजन था, इसलिए उन्होंने ये सूत्र के उलट अकॉर्डिंग, सूत्र में है दृक् स्पर्श आलाप अंतःकरण, यहाँ पर दृष्टि जो है पहले नंबर पर थी, स्पर्श दृक् स्पर्श दो नंबर पे था और आवाज तीसरे नंबर पे थी, नहीं अंतःकरण चौथे नंबर पे है। ये ऑर्डर जो है टॉप लेवल से नीचे का है। दृक् जो है इसकी जब टीका देखते हैं तो इसमें नंबर वन बेस्ट वे दृक् है, उसके बाद स्पर्श है, फिर आवाज है, फिर अंतःकरण है, ठीक है जी। अब इसकी जब टीका पढ़ेंगे वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं दृष्टांत पे वापस लेके आता हूं आपको। चौथा दृष्टांत, चौथा दृष्टांत क्या कहता है, शब्द द्वारे देने आती जैसा, क्या है शब्द द्वारे देने आती जैसा शब्द वेदिया रसाचार। शब्द द्वारे देने आती जैसा शब्द वेदिया रसाचा। देखिए अब ये तीन जो पीछे थे वो तीन मदर थे, एनिमल्स थे, यहां पर एनिमल नहीं है, मदर नहीं है, इसलिए इस दृष्टांत को अलग से लगाया गया सीक्वेंस में। अब देखते हैं ये शब्द वेदिया रस का क्या फिनोमिना होता है, बहुत ही डिफरेंट है, हम लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। हाँ जी, वो क्या कहते हैं मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, शब्द से वेद होता है। कैसे, एक ना इस तरह का रस होता है, रस मतलब रस किससे निकलता है आपको बताइए, रस कहां से निकलता है, रस निकलता है गन्ने का रस, कह रही है जी, उसे भी निकलता है खजूर से, ये खजूर से रस निकलता है ऐसा, कलकत्ते में तो इसका रस होता है, कलकत्ता में खजूर का रस पीने के काम आता है। हाँ जी हाँ जी, उसका गुड़ भी बनता है, गुड़ भी बनता है। हाँ ठीक, हाँ वो मैंने देखा, माटी बोलते कुछ तो ऐसा बोलते हैं उसकी, वो शराब बनती है। हाँ जी हाँ जी अच्छा, चलिए हर चीज में रस होता है, ठीक है वापस आते हैं, अभी टाइम हो रहा है हमारा, वी आर गेटिंग 9:35 पहुंच रहे हैं हम लोग, हमारी क्लास ओवर होने वाली है। अब इसको दृष्टांत को कर देंगे हम लोग कंक्लूड, और कल हम परमेश्वर इसको कैसे देते हैं इन दृष्टांतों के माध्यम से जीव के साथ, कैसे उसे चार दान देते हैं, कल की क्लास में ये आएगा, ठीक है जी। अब हम वापस आते हैं दृष्टांत पे, भी एडजस्ट गॉट 4 मिनट्स विद अस, 4 मिनट हमारे पास है। वो क्या कहते हैं मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, एक रस होता है, अब रस निकलता है नेचुरल प्रोडक्ट से, जो हमारे जंगलों में या खेतों में उगते हैं। अब एक ऐसा पौधा है उसका रस जो है वो ऐसा है कि अगर उस रस को कोई आवाज टच करके रिटर्न बैक होती है, वो आवाज का जो ओरिजिनल सोर्स है जहां से उसका ओरिजिन हुआ है, अगर वो मेटल है तो वो सोना बन जाएगा।
हाँ जी, ऐसी चीजें भी ये धरती के ऊपर ईश्वर ने बनाई हुई। और ये ऐसी जो चीजें होती है ना, ये ना जो महात्मा लोग होते हैं जो हिमालय में रहते हैं, समझ लो आप महात्मा हिमालय में रहते, मुझे मत बोल देना मेरे पास रस है कि नहीं है। ये ऐसे जो हिमालय योगी होते हैं ना, आगम निगम वाले, उनके पास इन चीजों की नॉलेज होती है। हाँ, हिमालय में बहुत जड़ी बूटियां उत्तराखंड के अंदर, वो इन जड़ी बूटियों का रिसर्च करते हैं और ढूंढते हैं, फिर इनका रस बनाकर वो आते हैं और पैसा द्रव्य कमाते हैं। इट्स अ वेरी बिग स्टडी, ह्यूज स्टडी, उत्तराखंड में इसके लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी बन रही है। तो वो रस जो है वो, अब क्या होता है, जैसे हमने ये बर्तन है इसको ऐसे किया, अब ये आवाज इस दीवार से अगर चिपकेगी तो ये रिटर्न आएगी। इसे इको कहते हैं ना हम लोग, जब बाथरूम में जब जाते हैं तो फोन लेके जाते हैं तो आवाज सुनाई नहीं देती, इको होती है, गूंजती है। अब ये आवाज अगर मैं यहां पर ग्लास रख देता हूं शब्द वेदिया रसा का और इसको ऐसे करता हूं, जहां पर जहां जहां मैंने टिक टिक किया है वो उतना ही हिस्सा सोने का होगा, पूरा सोने का नहीं होगा। जितनी मेरी ये है, अगर मैं इसको हथौड़ी से मारूंगा या ऐसे मारूंगा तो उतना हिस्सा बनेगा जितना टच हुआ उसमें से आवाज निकली। इसके दृष्टांत में ऐसा लिखा है, तोवे तांबे घड़त से, तांबा जो घड़ते हैं ऐसे ठठेरे होते थे मोहल्ले, उसका दृष्टांत होता है। और वो रस, वो जो आवाज निकलती है वो रस तक जाती है और वापस रिटर्न आती है और उस बर्तन में गुम समा जाती है। तो वे तांबे ऐसे थे सोना होए, वो सोना तांबा जो है वो सोना बन जाता है। हाँ जी, कॉपर गोल्ड हो जाता है, 400 रुपए किलो कॉपर है 450, गोल्ड आज 50,000 रुपए का नहीं 50,00,000 रुपए किलो है। 500 रुपए किलो का कॉपर 50,00,000 रुपए का हो जाता है, मौजा ही मौजा। ठीक है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल है इस धरती पर है? आप बोलोगे ऐसा रस होता है क्या? अगर श्री चक्रधर महाराज जी ने बताया है तो ऐसा रस जरूर होगा। इसकी स्टडीज जो पतंजलि वगैरह है या जो आयुर्वेदिक के जो रजड़ी बूटियां करते हैं वो तुम्हारे बालकृष्ण जी शायद उनको मालूम हो या हमारे योगी को मालूम होता है। तो हमारे चार दृष्टांत यहाँ पूरे हुए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। चार प्रकार से परमेश्वर दान देते हैं, वो है स्पर्श के द्वारा, दूसरा है दृष्टि के द्वारा, तीसरा है अंतःकरण के द्वारा, चौथा है शब्द के द्वारा। इसके लिए चार उदाहर दृष्टांत दिए गए हैं। पहला दृष्टांत है मुर्गी का, दूसरा है मछली का, तीसरा है कछुई का और चौथा है शब्द वेदिया रस का। ये चार दृष्टांत और चार देने के प्रकार हमने आज किए हैं। कल हम ये देखेंगे कि चार दान इन चार प्रकार से कैसे देते हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी हैं। आप अपना ये सूत्र पाठ सामने खोल के रखिए, आपको कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि मैं कल किताब देखकर ही आपको आगे उनका बताऊंगा। स्क्रीन में अगर मैं लेकर आता हूं तो मेरा चेहरा नहीं दिखता, तो उसमें समझने में कोई लोग कहते हैं कि हमें आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो समझ आसानी से आता है, जब बॉडी लैंग्वेज आपकी देखकर, तो बेटर है कि मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन। जो लोग नहीं देखते कि कोशिश कीजिए कि आप अपना ये लेकर चले। ठीक है जी, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी।